राज्य स्तरीय टीम जो है उनके विरुद्ध आप खेल रहे हैं और ये विश्राम में खेलते हैं और खराब गेंद पे सही नसीहत दे लगातार महिलाओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस T20 मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है और हम सभी इस आयोजन समिति के सभी साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप बरकरार रखे हुआ और क्योंकि यहाँ पर स्टेडियम निर्माण की बात हो रही है, माननीय मंत्री जी 2011 में उन्होंने स्टेडियम को लेकर एक प्रेस वार्ता किया था और कहा था कि स्टेडियम यहाँ बनेगा और आज 2019 हो रहा है, फिर भी आज स्टेडियम अधूरा है। मैं यहाँ पे बहुत साल से मैच देख रहा हूँ, यहाँ पे जो है स्टेडियम और इसका बाउंड्री भी होना चाहिए। आप कितने सालों से यहाँ क्रिकेट देखने आते हैं? तो यहाँ पे जो अर्धनिर्मित पड़ा हुआ स्टेडियम है इसके बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? होना चाहिए तो मेरा मांग है जो कि बहुत बड़ा स्टेडियम बने और हमारा 82 कस्तूरबा का गेट बने और सब कुछ सुरक्षा रहे। यहाँ 15 वर्ष से खेल जो हो रहा है बहुत अच्छा आयोजन होता है, इसलिए यहाँ स्टेडियम भी अच्छा होना चाहिए ठीक से, जिससे कि यहाँ के लोगों को उत्साह होगा। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से इसका डेवलपमेंट हो और क्या। ये जो अर्धनिर्मित पड़ा हुआ वर्षों से स्टेडियम है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो अर्धनिर्मित है उसको पूर्ण किया जाए। मैं बिहार सरकार से मांग कर रहा हूँ बड़ा स्टेडियम का निर्माण हो और वर्षों से जो अधूरा स्टेडियम का निर्माण चल रहा है उसको यथाशीघ्र पूरा किया जाए। आम से जानकारी देते रहते हैं, मैं चाहूँगा यह खेल जो हमारे राज्य स्तर का होता है बच्चे यहाँ तक चल के आए हैं, मैं सरकार से और यहाँ के जनप्रतिनिधि से निवेदन करूंगा इस खेल ग्राउंड को और उन्नत किया जाए। आज 20 साल से इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर हर साल किया जाता है कि पूरे बिहार में हमको नहीं लगता ऐसा आयोजन होता है, राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होता है, फिर भी हमारे ग्राउंड का आज तक स्टेडियम अधूरा रहा। कि यहाँ बहुत ही जरूरी है एक बड़ा स्टेडियम का और मैं चाहता हूँ कि इस स्टेडियम को बनाने के लिए सरकार हमारे गांव का, इस प्रखंड का, इस जिला का विकास करने में आगे आवे। मधेपुरा जिला क्रिकेट संघ के सचिव अमित कुमार, मेरा ये कहना है यहाँ के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के द्वारा 2016 ईस्वी के बाद मधेपुरा के 7 प्रखंड में स्टेडियम का बनना चालू हुआ, लेकिन आज 4 वर्ष समाप्त होने को है लेकिन मधेपुरा में अभी तक 7 प्रखंड में एक भी स्टेडियम पूर्ण नहीं हुआ है, जिसमें कि आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी स्टेडियम का बनना था जो कि चालू हुआ है और अर्धनिर्मित है 4 सालों में। सरकार का जो ये योजना है सभी प्रखंडों में स्टेडियम बनाना मधेपुरा जिला के 7 प्रखंड में प्रारंभ हुआ लेकिन अभी तक यहाँ पर कम्पीट नहीं हुआ। यहाँ पे एक तरह से सरकार कहती है कि खेल को बढ़ावा मिले, खेल के लिए सारे प्रशासन के द्वारा या जनप्रतिनिधि के द्वारा पता नहीं क्या ऐसा माहौल है कि हर जगह का स्टेडियम निर्मित नहीं हुआ है, जहां अगर हुआ भी है तो उस स्टेडियम में कुछ न कुछ अन्य खेल करवाया जाता है खेल को छोड़कर। तो मैं कहना चाहूंगा पुनः यहां के जनप्रतिनिधि से और जिला प्रशासन के द्वारा कि जहां पे भी आपने स्टेडियम को मनोनीत किया है तो उस पे संज्ञान ले और स्टेडियम के कार्यों को पूर्ण करने में वहां के खिलाड़ियों को, अगर एक स्टेडियम बन जाता है विगत 2-3 वर्षों से जो बिहार को मान्यता मिला है, अगर सभी राज्यों में सभी प्रखंडों में एक अच्छा स्टेडियम बने तो अपने बिहार के अन्य प्रखंडों से भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल कर बिहार के प्रतिनिधित्व करेंगे और देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ।